उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले रुपईजिहा इकाई का भव्य शपथ ग्रहण समारोह व व्यापारी एकता महासम्मेलन स्थानीय धर्मशाला में रविवार की रात संपन्न हुआ। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा कि जाति धर्म का भेदभाव भूलकर सारे व्यापारियों को एकजुट होना है। आपकी एकजुटता के आगे सरकारें भी झुकती हैं। उन्होंने भामाशाह का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी व्यापारी जीएसटी सहित तमाम टैक्स सरकार को देता है। हमारे आपके टैक्स से ही सरकारें चलती हैं। व्यापारी देता है रहता है लेता कुछ नहीं व्यापारी देता है रहता है लेता कुछ नहीं। किसी व्यापारी को कोई समस्या होगी मैं आधी रात को आपके फोन पर 3 घंटों में लखनऊ से पहुंच जाऊंगा। सम्मेलन को प्रदेश महामंत्री सचिन कंचल, नानपारा की विधायक रामनिवास वर्मा, बहराइच जिला अध्यक्ष कालिका प्रसाद गुप्ता आदि लोगों ने संबोधित करते हुए संगठन को जुझारू व एकताबद्ध बनाने की अपील की। रुपईजिहा शाखा के अध्यक्ष शैलेश जायसवाल, महामंत्री योगेन्द्र शर्मा व कोषाध्यक्ष संतोष अग्रवाल सहित सदस्यगण मनीष अग्रवाल, महेंद्र जायसवाल, श्याम अग्रवाल, राजकुमार वैश्य, संतोष कसौधन, अनुराग कौशल, शिवम गुप्ता, आशीष अग्रवाल, मोहम्मद आलम, आशीष यज्ञ सैनी व बसंत चक्रवर्ती आदि को प्रदेश अध्यक्ष कंचल ने संगठन के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश चंद, जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल, पूर्व व्यापार संघ महामंत्री संजय बंसल, पूर्व प्रधान मोहम्मद जुबेर फारूकी सहित भारी संख्या में रुपईजिहा के व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर रुपईजिहा के पदाधिकारियों ने स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुशील बंसल ने किया। ये राजनीति की क्या राजनीति? ऐसा ये व्यापार संघ नहीं है, व्यापार मंडल है। ये अराजनीतिक है, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम पंजाबी पहले व्यापारी हैं। एक पसीना दुकानदार का अपना खून बहा देंगे, आंख उठाकर हमको देते उसका महल जला देंगे।